हे गाइस, वेलकम बैक टू साइंस फॉर ऑल। मैं हूँ काशिफ। और मैं हूँ करीना। वापस आ गई करीना फिर से, क्या करें। चलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड लाइकिंग आर वीडियोस, एंड टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर वेलकम बैक। और हम करने वाले हैं एक्टिविटी 2.7, जो कि कुछ ऐसी दिखती है आपकी बुक में। सो लीना बताइए, आप पूछिए जब भी तो बताऊंगी मैं। अरे भाई, क्या करने वाले इस एक्टिविटी में, क्या चेकिंग होगी? जैसे हमने पुरानी एक्टिविटीज़ में कभी एसिड की मेटल से रिएक्शन कराई थी, और कभी एसिड की मेटल ऑक्साइड से, मेटल कार्बोनेट से। मैं पहले ही बोल देता हूँ कभी। हाँ, ना और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो एसिड की मेटल के अलग अलग टाइप्स के साथ करा रहे थे, तो आज किसके साथ करानी है अब बताइए। मुझसे सीक्रेट नहीं रुकता ना, प्रॉब्लम ये है। तो हम कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। हाँ, आज हम एसिड को टेस्ट करके देखेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ कि क्या होता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और बताइए लीना, क्या माल लगने वाला है इस एक्टिविटी के लिए? थोड़ा सा चाहिए कॉपर ऑक्साइड, एक बीकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और चाहिए स्टिरर जो कि ऐसे दिखता है फोटो में। और हाइड्रोक्लोरिक तो मेरा बचपन का दोस्त लगता है। चलो शुरू करते हैं एक्टिविटी, फिर बोलो क्या करना है। स्टेप वन में हमें क्या करना है, सबसे पहले बीकर लेना है और उसके अंदर डालना है हमारा सब्सटेंस जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। हाँ, जो कि हमने पहले वीडियोस में भी यूज किया है, काले रंग का होता है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, बीकर में कॉपर ऑक्साइड डालना है और उसके ऊपर से डालना है मेरा फेवरेट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, और ये डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने जो है उस पर धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में लेके डालना शुरू कर दिया। और जो हमारे पास जो स्टिरर था उससे हमें क्या करते रहना है, उसको अच्छे से स्टिर करना है, मिलाना है, चलाना है, क्योंकि वो मेटल है तो उसको उसमें डिजोल्व होने में मुश्किल होगी, तो वो स्पीड अप करेगा, वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। हाँ, तो मतलब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब आप एसिड डाल रहे हैं तो आप उसको जैसे चम्मच से चाय में चीनी घोलने के लिए चलाते रहते हैं, इस तरह आपको स्टिरर से उसको घुमाते रहना है और करना है चाय पे चर्चा, एब्जॉर्ब, ऑब्जर्वेशन। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेबल है, जो कि हमने अपनी पिछली एक्टिविटी में बताई थी कि हम जो है वो कलर्स लिख लेते हैं जो ओरिजिनल फेज में होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि HCl का कलर ब्लू है, तो इस रिएक्शन में जब हम हिलाते रहेंगे, HCl का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा होता है, जैसे लैब में होता है। ब्लू मैंने यहाँ इसलिए दिखाया है ताकि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे सके कि मैंने यूज किया है कोई सब्सटेंस। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर जो है वो पानी जैसा ही होता है। तो ये बात नोट कर लेना दोस्तों, वरना पंगा हो जाता। थैंक यू अलीना फॉर क्लैरिफाइंग। सो जैसा कि आप जानते हैं HCl जो है ट्रांसपेरेंट होता है, आपने पहले भी फोटोज़ में हमारी देखा होगा। तो जब हम उसको चलाते हैं लगातार मेटल ऑक्साइड के साथ मिला के, तो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, कुछ इस तरह का जो कि आप देख रहे हैं अब। तो ये ग्रीनिश कलर जो आप देख रहे हैं, ये एक नया जो सब्सटेंस बन रहा है वो है कॉपर क्लोराइड। और जैसा कि आप जानते हैं और जो हमसे आज जुड़ रहे हैं नए सब्सक्राइबर, उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि, या नहीं है तो कर लीजिए, कि जो मेटल जब भी हम मेटल ऑक्साइड या मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है लीना? तो एक तो बनता है हमारा सॉल्ट और होता है वाटर, जैसे कि रिएक्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और जैसे कि मैं प्यार से कहता हूँ, नमक और पानी बनता है। तो कॉपर ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो बनाया कॉपर क्लोराइड, और वाटर तो उसमें है ही टेस्ट ट्यूब में, लिक्विड पार्ट उसका। तो ये कुछ ऐसा बनता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। मीनवाइल टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।